परमवीर चक्र का नाम तो सबने सुना होगा, पर उसको किसने बनाया, उसका डिजाइन किसने तैयार किया है, ये कितने लोगों को पता होगा? शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि परमवीर चक्र का निर्माण या कह लीजिए डिजाइन एक महिला ने किया था, और वो महिला भारतीय नहीं थी बल्कि किसी और देश की थी। नमस्कार दोस्तों, हम रितेश पांडे स्वागत करते हैं आप सबका हमारे खोया भारत चैनल पे, जहां आपको भारत के उन खोए हुए इतिहास के बारे में बताया जाता है जो किसी ने ना बताया है ना सुनाया है और इतिहास के पन्नों में छिपा दिया गया है। आज हम बात कर रहे हैं परमवीर चक्र के बारे में। तो आपको बता दें कि परमवीर चक्र एक महिला सावित्री खानोलकर द्वारा डिजाइन किया गया था, एक स्विस नागरिक जिसका असली नाम ईव यबोन मेडे डेमरोज था, जिसने एक भारतीय सेना अधिकारी विक्रम रामजी खानोलकर से शादी की थी। वह एक हंगेरियन पिता और रूसी माँ की बेटी थी जो नेस्टल स्विट्जरलैंड में पैदा हुई थी। उनके पिता आंद्रे डे मैडे जिनेवा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे, जबकि उनकी माँ मार्थ हैंटेल्ट रसेल संस्था में पढ़ाती थी। 1929 में उनकी मुलाकात सैंडहर्स्ट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय सेना के एक युवक कैडेट विक्रम खानोलकर से हुई, जो अवकाश के लिए स्विट्जरलैंड आए थे। विक्रम उनसे उम्र में बड़े थे, वह तब एक किशोरी थी। हालांकि दोनों में प्यार हो गया और वो दोनों 1932 में भारत आए। उनके पिता इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने लखनऊ में विक्रम से शादी कर ली। उन्होंने शादी के बाद अपना नाम बदलकर सावित्री बाई रख लिया। अपनी यूरोपीय पृष्ठभूमि के बावजूद वह जल्दी से हिंदू परंपरा के अनुकूल हो गई। वह शाकाहारी बन गई, धारा प्रवाह मराठी हिंदी और संस्कृत बोलना सीख गई और भारतीय संगीत नृत्य और पेंटिंग भी सीखी। उन्होंने खुद को एक भारतीय आत्मा के साथ एक यूरोपीय कहा है और विदेशी कहलाना पसंद नहीं किया। हिंदू पुराणों में उनकी गहरी रुचि थी जिसे उन्होंने बड़े पैमाने पर पढ़ा और भारत के प्राचीन इतिहास का भी अध्ययन किया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय एडजुटेंट जनरल मेजर हीरालाल अटल ने परमवीर चक्र को डिजाइन करने में उनकी मदद मांगी। पुराणों के उनके व्यापक ज्ञान पर आकर्षित होकर सावित्री बाई ने ऋषि दधीची के बारे में सोचा, जिन्होंने इंद्र को घातक वज्र या वज्र बनाने के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। वह एक दोहरे वज्र एक आम तिब्बती मूल भाव के डिजाइन के साथ आई थी। परमवीर चक्र को कांसे में 1 और 3/8 इंच के त्रिज्या के साथ ढाला जाता है। केंद्र में एक उभरे हुए चक्र पर अशोक स्तंभ है जो इंद्र के वज्र की 4 प्रतिक्रिया से घिरा हुआ है और तलवारों से घिरा हुआ है। संयोग से परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा सावित्री बाई की बड़ी बेटी कुमुदीन के बहनोई थे, जो पाकिस्तान के साथ 1948 के युद्ध के दौरान बडगाम के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। उन्होंने कई सामाजिक कार्य भी किए। युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवार की मदद करने के साथ साथ विभाजन के शरणार्थी भी थी। 1952 में उनके पति के निधन के बाद सावित्री बाई ने आध्यात्मिकता की शरण ली और बाद के वर्षों में रामकृष्ण मठ के साथ बिताया। उन्होंने महाराष्ट्र के संतों पर एक किताब भी लिखी। वास्तव में उल्लेखनीय जीवन के नेतृत्व करने के बाद 77 साल की उम्र में 26 नवंबर 1990 को उनका निधन हो गया। एक मिश्रित राष्ट्र हंगेरियन रूसी मूल के स्विस नागरिक ने भारतीय सेना के एक अधिकारी से शादी की, जिसने हिंदू लोकाचार को बहुत अच्छी तरह से अपनाया, जिसने भारत में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र को डिजाइन किया था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जरूर सबके साथ शेयर करिएगा ताकि सब जान पाए परमवीर चक्र के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अपने देश के इतिहास के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए इतिहास के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।